हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये राउंड शेप में डिजाइनर डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, इसमें अंदर ये येलो सर्कल बनेगा, फिर ऊपर ये ब्लैक सर्कल बनेगा पूरे पे, और ऊपर ये डिजाइनर बॉर्डर बनेगा। बिल्कुल राउंड शेप में ये बनके कंप्लीट होगा। सिंपल है बिल्कुल बनाने में, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिजाइन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस डोरमेट को मैं 3 कलर से बनाऊंगी, और 9 नंबर की मैंने इसमें निडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। ये देखिए, मेरे पास पतली ऊन है तो मैंने इसको डबल कर रखा है। तो सबसे पहले हम फंदे येलो के डालेंगे। ये देखिए, ऐसे आप इसमें नोट लगा लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके के फंदे मैं आपको बताऊंगी, ऐसे आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदे मैंने येलो के डाल दिए। अब देखिए, अब मैं इसमें ब्लैक से डालूंगी। ये देखिए, आप नोट लगाइए या ऐसे भी डाल सकते हो, आप ऐसे पकड़ लीजिए इसको। ये देखिए, 20 फंदे मैं ब्लैक से डालूंगी। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से मैं इसमें 20 फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, 10 फंदे मैंने नीचे डाल दिए, 20 फंदे मैंने ये डाल दिए। अब एक कलर हम और ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, इसका हम डिजाइनर बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके भी मैं इसमें 2 फंदे पहले डालूंगी। ये बॉर्डर के हम ऊपर 10 फंदे रखेंगे। ये देखिए, 2 फंदे हो गए। अब फिर से हम ब्लैक के डालेंगे। ध्यान से देखिए, 1, 2, ये देखिए, फिर से हम इसके डाल लेंगे। इसी तरीके से हम इसमें बॉर्डर के ऊपर 10 फंदे डाल लेंगे, 2 एक कलर के, 2 एक कलर के। ये देखिए, ये देखिए, 6 फंदे हो गए। फिर से हम इसमें 2 ब्लैक के डालेंगे। और ये लास्ट फंदे मैं पिंक के डाल दूंगी। बॉर्डर के ऊपर हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, 1 और 2। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 10 फंदे हमारे ये बॉर्डर के हो गए। ये देखिए, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो से ही हम इसमें अपना डिजाइन बनाएंगे। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को तो हम ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदा जिस कलर का है। बेसिक रो है हमारी ये। ये देखिए, 2 मैंने पिंक से बना दिए। थ्रेड को हम इस साइड कर लेंगे। 2 मैं ब्लैक से बना दूंगी। फिर हमारा पिंक है, इसको इस साइड कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, 2 पिंक से बना देंगे। ये देखिए, 2 ब्लैक हैं तो ब्लैक से बना देंगे। ये पिंक के हैं तो पिंक से बना देंगे। बॉर्डर के हमने 10 फंदे लिए हैं फ्रेंड्स, 10 फंदे ही हम एंड तक बॉर्डर के लेके चलेंगे। ये हमारे नहीं घटेंगे, नहीं बढ़ेंगे। 10 फंदे हैं, 10 फंदे ही हमारे ये बॉर्डर के रहेंगे। आगे देखिए, जो भी आपका कलर है, मेरा ब्लैक है तो मैं ब्लैक से ये सारे ही फंदे बना लूँगी। आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हो, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा।
जैसे हमारे पास थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है तो इस डिज़ाइन में हम बहुत ही अच्छा सा उसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे फंदे हमने बना लिए। ये देखिए, अब हम इसमें इस कलर का ज्वाइंट लगाएंगे। तो देखिए, इसको हम इस साइड कर लेंगे और नीचे से ये दूसरा फंदा हम ऐसे ऊपर ऐसे लेके जाएंगे क्रॉस करके, इससे हमारा यहाँ पे ज्वाइंट लग जाएगा। बहुत ही प्यारा सा बीच में बिल्कुल ऐसे राउंड में सर्कल बनेगा येलो का, बीचों बीच बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। राइट साइड हमारी ये है। इस साइड से फ्रेंड्स जो आपको फंदा जिस कलर का दिखाई देगा उसी कलर से बनाना है। जब भी हम चेंज करेंगे तो दूसरी साइड से फंदों का कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको कैसे थ्रेड को लेना है। ये देखिए, ये वाला हम पीछे कर देंगे, पीछे से ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे ताकि हमारा जॉइंट अच्छे से लग जाए, गैप ना आए बीच में। क्रॉस करना मत भूलिएगा, फिर ये बहुत ही सफाई के साथ बनके कंप्लीट होगा। और ये पूरी रो मैं बना लूँगी। ये 40 फंदे का है फ्रेंड्स, 40 फंदे का काफ़ी बड़ा बनके कंप्लीट होगा। और अगर आप साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो इसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। जैसे पूजा का आसन वगैरह बनाना है तो आप साड़ी और चुन्नी से आप बनाओगे कपड़े की किसी भी पट्टी से, तो वो और भी बड़ा बन जाएगा। उसमें आप मोटी निडल्स का यूज करिएगा, जैसे 8 नंबर की, 7 नंबर की। आप देखिए ध्यान से, ये आगे हमारा बॉर्डर है तो बॉर्डर के फंदे हम कैसे बनाएंगे। देखिए, ब्लैक को पीछे कर देंगे, पीछे से पिंक आगे लेके आऊँगी मैं, और पिंक के फंदे हैं ये मैं पिंक से बना दूँगी, पीछे करूँगी, पीछे से ब्लैक आगे लेके आऊँगी, दो मैं ब्लैक से बना दूँगी, फिर पीछे करूँगी, पीछे से पिंक आगे लेके आऊँगी, इसको पीछे करूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से हमने बनाना है। जो जिस कलर का थ्रेड होगा सीधी साइड से हमने उसी कलर से बनाना है। ये देखिए, अब इसको हम पलट लेंगे। अब हम इस साइड से चेंज करेंगे बॉर्डर के फंदों का कलर। ध्यान से देखिए, जो हमारा पिंक है उसको मैं ब्लैक बना दूंगी। ध्यान से देखिए, ये दो हमारे ब्लैक के हो गए। आगे हमारा ब्लैक है, इसको मैं पिंक से बना दूंगी, फिर पिंक है इसको हम ब्लैक से बना देंगे, आगे फिर हमारा ब्लैक है, ये दो फंदे हम पिंक से बना देंगे, और लास्ट वाले बॉर्डर के फंदे हम ब्लैक बना देंगे। ये देखिए, सारे फंदे हमने चेंज कर लिए हैं और आगे हमारा ब्लैक है तो हम ब्लैक से ही बनाएंगे। ये रो मैं आपको उतार के दिखाऊंगी। जितना भी आप इसमें बड़ा छोटा बनाओ उतना ही आप इसमें फंदे डालिएगा। मैंने इसमें दो दो का पेयर बनाया है, आप इसमें तीन तीन का पेयर भी बना सकते हो, चार चार का पेयर भी बना सकते हो। ये देखिए, ये है हमारा, इसको इस साइड कर लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे करेंगे और दो फंदे हम पीछे
फिर से छोड़ देंगे, दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए दो पहले छोड़े थे तो इस बार छोड़ दिए और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे। यहाँ तक बना लेती हूँ एक बार, यहाँ से फिर मैं आपको एक बार दिखा दूँगी। तो मैं ऊपर तक ले आती हूँ बना के, देखिए यहाँ तक आ गई हूँ मैं। अब पीछे से ऐसे क्रॉस करके मैं पिंक आगे लेके आऊँगी, पीछे कर दूँगी, पीछे से ब्लैक आगे लेके आऊँगी। जो जिस कलर का फंदा होगा उसी कलर से हम बनाएंगे। एंड तक ये बॉर्डर हम ऐसे ही बनाएंगे, फंदों का कलर चेंज करते जाएंगे बैक साइड से, और इस साइड से जो जिस कलर का है उसी कलर से हम बनाएंगे। ये देखिए आप फिर से देखिए, एक बार और देखिए, ये जो ब्लैक हैं ये हमारे पिंक हो जाएंगे। आपने जो भी कलर लिया है, ये देखिए ये पिंक है और कलर आपने इसी साइड से चेंज करना है। ये देखिए और आगे ये हम ब्लैक से बनाएंगे। एक बार फिर से देखिए, इसी तरीके से मैं फ्रेंड्स दो दो फंदे छोड़ती हूँ, ऊपर तक आऊँगी और बॉर्डर हम ऐसे ही बनाएंगे। फंदों का कलर हर बार चेंज करते जाएंगे और इस साइड से जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे, और पीछे नीचे से दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। बॉर्डर तक हम फंदे छोड़ देंगे और ये देखिए जब तक ये येलो है हमारे फंदे, आपने ऐसे बनाना है और इसको आपने ऐसे बनाना है। यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे सिलता हुआ जाएगा फिर ये दो फंदे हम इस बार छोड़ देंगे। ये दो दो करते हुए फंदे हम बिल्कुल यहाँ तक आ जाएंगे और बॉर्डर हम ऐसे ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक आ गई हूँ मैं, दो फंदे बचे हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर से देखिए हम चेंज करेंगे फंदों का कलर, ये आपने हर बार करना है। देखिए और यहाँ से आगे से ये लास्ट के दो फंदे हैं और इस बार मैं ये फंदे छोड़ दूँगी और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। बॉर्डर हम इसी तरीके से बनाएंगे, जो जैसा है वैसा ही। ये देखिए एक बार की हमारी ये नीचे की कली कंप्लीट हो गई है। ये देखिए दो दो करके हमने सारे ही फंदे छोड़ दिए हैं और ये हमारा ऊपर बॉर्डर है। अब हम क्या करेंगे, ये बॉर्डर हम ऐसे ही बनाएंगे, फंदों का कलर फिर से चेंज करेंगे। ये हमने एंड तक ऐसे ही बनाना है। ये देखिए ये फ्रेंड्स मैंने 10 फंदे का बनाया है, आप यहाँ पे 6 फंदे का भी बना सकते हो, 4 फंदे का भी बना सकते हो, और बड़ा बनाओ तो 12 फंदे का, 14 फंदे का भी बड़ा बॉर्डर बना सकते हो। ये देखिए अब ये नीचे के जो दो दो करके छोड़ रखे हैं ये सारे फंदे मैं एक बार बना दूँगी। एक कली हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है, ये बिल्कुल सर्कल में बनेगा। ये देखिए बिल्कुल गोल सर्कल में बनेगा, राउंड में, और बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी, एकदम डिजाइनर लुक आएगी इसकी।
बीच में येलो सर्कल बनेगा, फिर ब्लैक सर्कल बनेगा और ऊपर ये हमारा बॉर्डर आएगा। ये देखिए, इसको हम ऐसा ही कर लेंगे और ये हम ऐसे, ये देखिए बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो। और ये सारे ही फंदे हमने बना लिए। ये देखिए, पलट लेंगे, फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतारिए नहीं तो यहाँ पे बीच में होल बड़ा बन जाएगा। और राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के ऊपर तक मैं आ जाऊंगी। ये देखिए, पूरी रो मैंने उतार दी, एक कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हमने दोबारा फिर से उसको नीचे से स्टार्ट करना है। मैं आपको स्टार्टिंग करके दे दूँ, इसी तरीके से आपको एंड तक बनाना है। पूरा जब आपका सर्कल बन जाएगा तब तक हमने ऐसे ही इसको बनाते हुए रिपीट करना है। दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक आ जाएंगे, फिर से एक बार हम सारे ही फंदे बना लेंगे और फिर से दोबारा से फंदे छोड़ना शुरू कर देंगे। बॉर्डर हमारा ऐसे ही बनता जाएगा। इसी तरीके से हम अपने फंदों का कलर चेंज करते जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए, आप इसमें फ्रेंड चार चार का पेयर भी बना सकते हो, चार चार का पेयर में भी आपने ऐसे ही बनाना है, लेकिन वो आपकी पतली पतली कलियां बनेंगी। ये मैंने दो दो छोटे हैं तो चौड़ी चौड़ी ही बनी है। ये देखिए, ऐसे ही आपने करना है और दो फंदे फिर से पीछे छोड़ देंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाना है। इसी तरीके से ऊपर तक छोड़ते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे और फिर हम ये सारे फंदे बना लेंगे दोबारा से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।